हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी मार्कशीट में क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि आपके क्लास टेंथ, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसमें आपकी क्या क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि उनको पता ही नहीं रहता है कि यह सब गलतियाँ हैं। और जब उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है और वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि उनको पता चलती है, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में, और बहुत लोगों का तो रिजेक्ट भी कर देते हैं लोग। तो क्या क्या गलतियाँ हैं, किन गलतियों से आपको बचना है, और यह सब गलतियाँ दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट में हैं तब आप उसका संशोधन जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि यह सब गलतियाँ बहुत ही जो है कि ज़रूरी हैं, इनको आप सुधार करवा लें। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपके मार्कशीट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो गलती है वह है ई और आई की गलती। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो इतना ज़्यादा कॉमन है कि लगभग अगर 100 बच्चों की मार्कशीट उछाएंगे तो उसमें लगभग 30 से 40 बच्चों में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि ई और आई की गलती हो जाती है। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका नाम जो था वह प्रतीक था, आप लिख रहे थे PRATEE के लिखते थे, और यहाँ पर जो है कि क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भर रहे थे तो वहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि लोग ई की जगह आई लिख देते हैं, जैसे PRATEE के लिख देते हैं। तो ऐसे भी लोगों की गलतियाँ होती हैं कि डबल ई की जगह आई हो जाता है। तो अगर आपकी मार्कशीट में दोस्तों ऐसी गलती है, ई की जगह पर आई हो गया है या आई की जगह पर ई हो गया है, तो उसको आप संशोधन जरूर करवा लीजिएगा। क्योंकि अगर यही मान लीजिए थोड़ा सा ही गलती, एक ही अक्षर की गलती है, तब भी जब आप DV के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ पर जो है कि इस पर आपको रोक लगा दी जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसका संशोधन कराइए, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो यह गलती आपके मार्कशीट में है तो इसको आप सबसे पहले सुधार करा लीजिएगा। और दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, तो वह है सबटाइटल की गलती। जी हाँ दोस्तों, यह भी गलतियाँ बहुत से लोगों में होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी मार्कशीट में, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में आपका नाम मोहन है और आपकी मार्कशीट में मोहन कुमार है, या क्लास टेंथ की मार्कशीट में आपका नाम मोहन था और क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट में मोहन कुमार है, तो ऐसी भी गलतियां लोगों में होती हैं। किसी में जो है कि सिर्फ एक नाम होता है और किसी में जो है कि उसके साथ सबटाइटल भी होता है, तो इसलिए ऐसी भी गलतियां अगर आपकी मार्कशीट में हैं तो उसको आप संशोधन जरूर करवा लीजिएगा। क्योंकि इतना से भी गलती अगर रहेगी तो वहाँ पर आपकी मार्कशीट पर रोक लगा दिया जाएगा, तो इसलिए इसको भी आपको संशोधन करवा लेना है। और दोस्तों तीसरी गलती की बात करें तो वह है डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह आपके सभी मार्कशीट में एक ही जैसा होना चाहिए, एक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड में भी वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपके मार्कशीट में भी वही होना चाहिए, क्लास टेंथ की, क्लास ट्वेल्थ की या ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी मार्कशीट में भी वही होना चाहिए। अगर उसमें दोस्तों आपके अंतर रहेगा तो वहाँ पर भी आपके दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ जरूर अगर गलत है तो उसमें जो है कि आप जरूर संशोधन करवा लीजिएगा। और अगली गलती दोस्तों है फादर नेम मदर नेम। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का क्या होता है कि उनके फादर नेम और मदर नेम में गलती होती है। फादर नेम मदर नेम में कैसे होता है कि जैसे जो क्लास टेंथ की मार्कशीट रहती है उसमें मान लीजिए कि फादर नेम में कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और क्लास ट्वेल्थ में जब वह जाते हैं तो उसमें जो है कि वह स्पेलिंग वह सही करा लेते हैं। तो ऐसे में भी लोगों की गलतियाँ होती हैं, फादर नेम में भी गलती रहती है, कई कई लोगों का मदर नेम में भी गलती रहता है, तो यह सब भी अगर गलती है तो उसको भी आप संशोधन करवा लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि हो सकता हो कि गवर्नमेंट जॉब में आपको छोड़ दें, फादर नेम में थोड़ा बहुत गलती है तब भी वह मान्य कर दें, लेकिन जो है कि आप जो है कि अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लीजिएगा, सब कुछ, कुछ भी गलती आपकी मार्कशीट में है तो उसको आप संशोधन करवा लीजिएगा, क्योंकि वह तो उनके ऊपर होता है कि वह लोग पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है, फादर नेम या मदर नेम में कोई भी गलती है, चाहे ई और आई की गलती हो, चाहे सब टाइटल का गलती हो, चाहे जो है कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो आपका ही रहेगा,
चाहे जो है कि आपका स्पेस वगैरह का गलती हो, सब कुछ आप सही करवा लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो वह है आधार कार्ड और मार्कशीट में अलग अलग नाम। जी हाँ दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का साथ क्या होता है कि उनका जो है कि आईडी लगता है। जब जैसे दोस्तों अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वगैरह, तो वहाँ पर आपका आईडी लगता है। और आईडी में क्या होता है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि आईडी में उनका जो है कि स्पेलिंग नाम की कुछ और रहती है और मार्कशीट में कुछ और रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके क्लास 10th 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है, और मान लीजिए आधार कार्ड में जो है वह एकाध अक्षर और है, मतलब उसमें जो है कि आप सब टाइटल वगैरह लिखे हैं, तो ऐसी भी अगर गलती है तो उसको भी आपको सही करवा लेना है। आधार कार्ड और जो है मार्कशीट में आपका नाम सेम सेम होना चाहिए, मतलब जो आईडी आप दे रहे हैं वह आईडी में और जो आप अपना मार्कशीट वगैरह दे रहे हैं उसमें नाम सेम होना चाहिए। मतलब जो डिटेल्स उसमें हो वही सब डिटेल्स आपके आईडी में भी होनी चाहिए, कोई भी डिटेल्स मिसमैच नहीं करनी चाहिए, तो यह चीज़ होना चाहिए। और दोस्तों अगर यह सब गलतियां हैं तो आप इसको सही ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इन सब गलतियों से दिक्कत हो जाती है। और बहुत से स्टूडेंट हम देखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्कशीट संशोधन वगैरह का काम जो है यह कितना जो है कि लेट होता है आपका, मतलब बहुत टाइम इसमें लगता है और काफ़ी दौड़ना धूमना पड़ता है, उसके बाद जो है कि आपका संशोधन होता है। तो इसलिए जो है कि अगर आपके पास टाइम है और गलतियां कर दिए हैं तो यह सब आप संशोधन करवा लीजिए, क्योंकि जब आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम समय मिलता है। तो इसलिए वहां पर ज़्यादातर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफ़ी उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए आपके पास टाइम है तो संशोधन करवा लीजिए। बाकी दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।